दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए अपने इस चैनल पर मुख्तलिफ इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस लेकर आते हैं, अब हमने एक और सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम आपको फातह बैतुल मुक़द्दस यानी के सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की एक एपिसोड्स, एक सीरीज आपको बताएंगे। उसकी हिस्ट्री क्या है, उसने कैसे बैतुल मुक़द्दस को फतह किया, उसकी जितने भी एपिसोड्स हैं वो तमाम एपिसोड्स हम आपको वीडियोस की सूरत में बताएंगे और ये वक्तन फवक्तन हम अपने चैनल पर लगाते रहेंगे ताकि आप इस्लामिक हिस्ट्री से भी बाखबर रहें और आपको मालूम हो कि मुस्लिम हीरोज कैसे हुआ करते थे, उनके अखलाक की मेराज क्या थी और उन्होंने कैसे मुश्किल हालात में दुश्मन से मुकाबला करके फतह समेटी और कैसे हम लोगों ने उनकी फतह की हुई सरजमीन को अपने हाथ से खो दिया। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में बताएंगे और फतेह बैतुल मुक़द्दस के बारे में हम बातचीत करेंगे। मगर दोस्तों, वाकये की जानी बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल सिरातुल हक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के निशान को दबाना ना भूलिए, क्योंकि सिरातुल हक यूट्यूब पर वाहिद इस्लामिक चैनल है जिसमें आपको ऑथेंटिक खबरें दी जाती हैं। और अब हमने आपके लिए इस्लामिक हिस्ट्री की एक लड़ी शुरू कर दी है, एक सीरीज शुरू कर दी है जिसमें आप सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में जान सकेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, ये चलते हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के वाकये और बैतुल मुक़द्दस की पहली किस्त की जानिब। हर जमाने में एक आदमी ऐसा भी होता है जिसके अबरूए सियासत की एक शिकन तारीख आलम में जलजले डाल देती है। हर कबील का दमिश्क, बनी उम्मीद का दमिश्क और बादशाहों के बादशाह सुल्तान सलाहुद्दीन का दमिश्क ऐसा ही एक शहर था। इस जलीलुल मुर्तबत शहर को रोमा के शहरियार कैसर जोलियान ने चश्मे मशरिक कहा था। यूनान ने सबसे हसीन शहर का खिताब दिया था। अरबों ने अरूसे कायनात की खिलत पहनाई थी और इसी सर पर बाग आलम का ताज रखा था। इसी दमिश्क के अंदरूनी शहर पनाह इसके सामने थी जिसमें स्याह और जर्द रंग के मदूर माकब और मसलत पत्थर इस तरह जुड़े हुए थे जैसे काले मुखमल पर पखराज टॉनिक दिए गए हों, और इसका खच्चर बाबुल फतह से दाखिल होने वाले हजूम में बह गया। वो लगाम खेंचे सांस रोके आदमियों के इस समंदर में तिनके की तरह लरज रहा था जिसकी मौज मौज में दुनिया के हर रंग, हर कौम और हर मजहब के मानने वाले मौजूद थे। उनमें ताजिर थे जो रुए जमीन की नेमतों को दमिश्क का बाजार दिखलाने लाए थे, तालिब इल्म थे जो मदरसा अयूबी के जय्यद आलिमों के सामने जानुए अदब तह करने आए थे, सिपाही थे जो फातिहों के फातह से अपनी तलवारों के जौहर की दाद लेने आए थे, सफीर थे जो मुल्कों मुल्कों के बादशाहों का नजराना अकीदत लाए थे, और सयाह थे जो अपने अहद की तारीख के सबसे बड़े मरकूज को सलाम करने आए थे। अब बनी उमैया की अजीम शान मस्जिद का रूपकार सामने था। वो इसका जाहो जलाल देखता हुआ इसकी पुश्त के बाजार में आ गया और एक चीखते चिल्लाते हमाम के सामने अपना खच्चर रोक लिया। एक गुलाम ने लपक कर इसके हाथ से लगाम झपट ली और वो सुर्ख पत्थर के मुनकश चबूतरे की कालीन पर फैले हुए मालिक हमाम के सामने खड़ा हो गया कि शायद वो इससे 42 बरस बाद पहचान ले, लेकिन मालिक के सिपाट चेहरे और खाली आंखों को देखकर वो अंदर घुस गया। निहाद होकर जब जरा जी ठिकाने हुआ तो उसने चाहा कि इस कमबख्त फजील से धूल धैया करे और 42 बरस कबल के इन वाकयात को जिंदा करे जो हजारों मन यादों के नीचे दबे पड़े थे। लेकिन अपनी खुफिया सिफारत की नजाकत का ख्याल करके बाजार और नाफ तक फैली हुई आमबूस के सलीब पर अपना दाहना हाथ रखकर सीढ़ियां उतरा और शहतूत की छाओं में बैठे नारगीली पीते हुए गुलाम से लगाम लेकर खच्चर पर सवार हो गया। हद निगाह तक सब्ज मखमल और सज्जाब के हजार थान खुले हुए थे। इन पर जगह जगह रंगीन फूलों के सफहानी कालीन बिछे थे। इन पर चलने की लज्जत का एहसास खच्चर के अलावा इसको भी हो रहा था। खजूरों के फलक बोज दरख्तों के झंडे निकलते ही कसरे सुल्तानी का रुकार नजर आया जिसके सबसे बुलंद मेहराब के किलिस पर वो जर्द परचम लहरा रहा था जिसके साये ने मशरिक़ व मगरिब के बड़े बड़े मफरूर शहनशाहों को सरनिगूं देखा था। वो एक झटके के साथ सवारी से फांद पड़ा। 1000 तुर्कवानों का जाती मुहाफिज रिसाला सुनहरे साज विराग से आरास्ता सफेद अरबी घोड़ों पर सवार सफेद हरीर के किफ्तान और जर्द तरबूज पहने तलाई कमरबंदों में मरसा कब्जों की हलाली तलवारें और खंजर लगाए कंधों पर जर्द बेरकें उठाए खड़ा था। दूर दहाने बाजू के सामने सजे हुए कोतल घोड़ों का हजूम था। दफादन एक सवार घोड़ा उड़ाकर इसके सामने आ गया।
इसने सीने पर सलीब बनाई और गरेबान से मुल्कुल आदिल का परवाना राहदारी निकाल कर सवार के हवाले किया। वो इसे वहीं रोककर वापस हो गया। कराकूश की जुम्बिश लहर के बाद इसे बढ़ने की इजाजत नसीब हुई। मेहराब के सामने संगे स्याह की चौकी पर बैठकर वो इस बुलंद आहनी दरवाजे को देखने लगा जिस पर सोने के पानी की बेलें बनी थी और चांदी के फूल चढ़े थे। फिर लंबे चौड़े स्याह फाम सूडानी गुलाम का दस्ता इसे अपने घेरे में लेकर चला गया जो सुर्ख जांगी और नीले फल वाली तलवारें पहने हुए थे। चौड़े रविश पर सुर्ख पत्थर जुड़े थे जिसके दोनों तरफ दमिश्क के मशहूर आलिम गुलाबों की झाड़ियां खड़ी थी। हर तरफ सब्जा बिछा था, कहीं कहीं खजूरों के दरख्त, तरिंज के झंड, खुबानी के ग्रोह और तारीख के खोल सोए अदब खड़े थे और सरगोशियां कर रहे थे। एक तरफ कोशकों में शिकारी चीतों की कितार जर्द चश्म पोश पहने रेशमी रस्सियों में बंधी खड़ी थी। दूसरी तरफ मरमरी दालानों में खासे के सिपाही जर्द कृतियां और सियाह जामे पहने कांधों पर खारदार गजरदे कमरे में चौड़े चौड़े तेगे बांधे खड़े थे। इनके सामने सब्जे पर सुनहरे उकाबों और बाजों और शकरों के जोड़े टहल रहे थे। एक तरफ से सिपाहियों की कतारें तुलू हुई, उसने गुलामों को वापस कर दिया और इसे अपनी तहवील में ले लिया। उनके जर जेबों की आस्तीनों, गरेबानों और दामनों पर चांदी के तारों का काम था। चीनी अतलस के जर्द अमामों पर शुतर मुर्ग के पर लगे थे। कमर में बालिश्त बालिश्त भर जोड़ी सोने की पेटियां थी और मोटे मोटे स्याह हाथों में चांदी का वो असा पकड़े हुए थे जिनके सरों पर सोने के हाल चढ़े थे। सामने निजे के बराबर ऊंचा 80 गज लंबा और 50 गज चौड़ा संगे स्याह का चमकीला चबूतरा था जिसके चारों तरफ खुशबूदार पानी की नहर की गूट लगी थी। चबूतरे पर संगे मरमर का वसी हौस था जिसके हाशिए पर चीनी कनीजों के सबक टांगों की तरह जर्द पत्थर के तरशते हुए सतून नस्क थे। इन पर सोने की महीन कलमकारी जगमगा रही थी जैसे टांगों पर रुएं चमक रही हों। इन सतूनों पर कुबा रखा हुआ था गोया वो इससे मुतालिक हो। कुबे के चारों तरफ संगे मरमर की जालियों से मुजयन शहनशीनें थीं जो संगे स्याह के चबूतरे के आईने में अपनी आराइशें देख रही थीं। हौज में कीमती पत्थरों की सी रंग बरंग मछलियां तैर रही थीं। इसके कलम में सोने का भारी फवारा मतानत से उड़ रहा था। हर सतून के सामने एक खास बर्दारनगी तलवार अलम किए मतलब मसबा जिस्मों की मानत जमा हुआ था। कुबे पर जाने वाले जीने के खुले हुए चांदी के दरवाजे पर कीफा का मशहूर तकी फरमा रवान अनवारुद्दीन जद कुफ्तान और तरबूश पहने कमर में सिर्फ एक जुड़ाव खंजर लगाए हाजिब बना हुआ था। पादरी ने जमीन को छूता हुआ सलाम किया। हाजिब बारगाह ने अबर्त को जुम्बिश दी। पादरी आहिस्ता आहिस्ता काशाफी मखमल से मुंझी हुई सीढ़ियां चढ़ने लगा और आखिरी सीढ़ी पर मुसल्ला गुलामों ने पादरी का बाजू पकड़ लिया और कफा का बेश कीमत पर्दा हटाकर दाखिल कर दिया। अंदर एक नई दुनिया उसकी मुंतजिर थी। हैरत और इस्तेजाब का जहान फैला खड़ा था। सारा फर्श सब्ज पत्थर का था जिस पर सफेद बच्चीकारी और संगे मरमर की आबाद दीवारों पर सीप की खानाबंदी थी। नाजुक गुलबूटों के हाशियों के दरमियान अकवाले जरी कुनिंदा थे। थोड़ी थोड़ी दूर पर कदम आदम मेहराबों में नाजुक तरीन जालियों के पर्दे लगे थे। हेजवी ताकतों में जगमगाते हुए जरी अंगीठियों में औदो अंबर सुलग रहा था। मगरबी दीवार के नीचे संगे सिमाक का तख्त बिछा था जिसके पारे सोने के काम से जर्द थे। चमड़े के गधे पर शेर की खाल बिछाए भारी गाउतिकिये से पुश्त लगाए बादशाहों के बादशाह नीम दराज थे। उनके घुटनों पर कश्मीरी शॉल पड़ी थी जिससे उनका सफेद पाजामा झांक रहा था। जर्द कुफ्तान के गरीबां और चौड़ी चकली आस्तीन से हरीर की सदरी के तकमे और कुफ नजर आ रहे थे। दाहिने हाथ की उंगली में वो अंगूठी थी जिसे यूरोप के सफीर नूर का पहाड़ कहते थे। रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई थी, देहाना तंग, होंठ पतले और दांत सफेद थे। कुशादा पिशानी के वस्त से ऊंची नाक की जड़ के पास तक जख्म का वो निशान था जिस सुल्तान आजम ने हत्तीन की लड़ाई में कबूल किया था और जिस पर बालों की एक सफेद लट सजदा कर रही थी। स्याह घने दूर दूर बैठे अबरुओं के नीचे बेपनाह आंखें इस बढ़ापे में भी जिंदगी के मंसूबों और अजाइम की आग से दहल रही थी। सफेद पतली और नोकदार दाढ़ी ने फरिश्तों का तजम्मुल पैदा कर दिया था।
इससे आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे दूसरी एपिसोड में। उसके लिए आप हमारी वीडियोस को विजिट करते रहिए।